थ्री सम, फोर सम, व्हाट इज दिस? बहुत बार जब हम ग्रुप सेक्स की बात करते हैं या फिर अपने पार्टनर के साथ अपनी फैंटेसीज को ट्राई करते हैं तो ये बहुत कॉमन नाम है, थ्री एंड फोर एंड फाइव. बट व्हाट इज दिस? ये होता क्या है? क्या ये सेफ है? कैसे किया जाना चाहिए? क्या इंडिया में ये प्रैक्टिसेस होती हैं या नहीं? डॉक्टर नेहा इसे रेकमेंड करती है या नहीं? सबके बारे में बात करूंगी. नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता. मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी देने की कोशिश. और आज मैं बात करूंगी थ्री फोर ये है क्या और कैसे इसे करें, कहां करें, कितना रेकमेंडेड. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. तो चलिए, बता रही थी थ्री सम के बारे में. थ्री सम एक ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी है जहां दो से ज्यादा इंसान एक ही एक्टिविटी को एक ही दौरान और एक ही जगह पर करते हैं. यूजली इसमें दो मेल्स एक फीमेल या दो फीमेल्स और एक मेल हो सकता है. ये फोरसम ग्रुप सेक्स भी हो सकता है और इसे हम दूसरी भाषा में गैंग बैंग भी कह सकते हैं. ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर बिना कंसेंट के प्रैक्टिस करना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. कुछ समय पहले मेरे पास एक आदमी का कॉल आता है और उसने मुझे समझाया कि उसकी वाइफ उसे कहीं ना कहीं फोर्स करती है कि उसके बॉस और उसके साथ साथ में सेक्स करने के लिए, जबकि उसको अंदर से इस तरीके की आवाज नहीं आती है. वो अपनी वाइफ के साथ ही इंटीमेट फील करता है लेकिन उसकी वाइफ फोर्स कर रही है कि वो बॉस के साथ भी करे. ऐसे में कुछ सही और गलत नहीं होता. अगर आपको लगता है कि आप इस एक्टिविटी को ऐसे एंजॉय करते हैं और इसमें मॉरल्स नहीं आते और फीलिंग्स बाधा नहीं बन रही हैं, तो आप डेफिनेटली उसे एंजॉय करें. लेकिन एक दूसरे का एसटीडी स्टेटस, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का स्टेटस, जरूर चेक कर लें. अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज बिल्कुल ही ऑकवर्ड और असभ्य और अनमोरास्टिक लग रही है, तो ये आपका पर्सनल चॉइस है. अगर आप दोनों पार्टनर इसे एंजॉय करना चाहते हैं, आपकी चॉइस है. इसमें किसी भी तरीके की जजमेंट्स नहीं है. ये एक फैंटेसी का पार्ट है. या फिर वो मेल्स जिनका सेक्स ड्राइव बहुत ज्यादा है या हाइपर सेक्सुअलिटी है या डिलेड इजैकुलेशन है कि वो एक पार्टनर या दो पार्टनर दोनों को ही सेटिस्फाई करता है, तो वहां पर थ्रीसम फोरसम एंजॉय किया जा सकता है. लेकिन ये सब कंसेंट बेस्ड सेक्स है. अगर दूसरा पार्टनर कंसेंट नहीं देता है तो आपको इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं करनी है. हम बहुत ज्यादा कैटेगरीज में मदर डॉटर या फिर टीचर स्टूडेंट इस तरह के थ्रीसम फोरसम एंजॉय करते हैं और वीडियोस में देखते भी हैं, लेकिन ये आपके सर पे हावी ना हो जाए और ये आपकी फैंटेसी, आपकी प्रॉब्लम ना बन जाए, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक अच्छी मैरिज एक अच्छे परिवार को जन्म देती है और अगर आप उस मैरिज में अपनी फैंटेसीज के चक्कर में उस प्लेजर को या फिर उस तरीके के बॉन्ड को तोड़ रहे हो, वो आपका पर्सनल चॉइस और वार्निंग है. आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है. बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी. तब तक के लिए कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजें. साथ साथ के लिए मुझसे पर्सनली जुड़ने के लिए या कंसल्टेशन बुक करने के लिए www.drnehamehta.com और इंस्टाग्राम फेसबुक डॉक्टर नेहा ऑफिशियल, हमारे दोनों नए चैनल लवोलॉजी सीखो और साइकोलॉजी सीखो को जरूर सब्सक्राइब करें. बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आऊंगी कि कुकोल्ड फैंटेसी क्या होती है.